फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसके बारे में पहले जानते हैं इफ़ यू लुक दैट कि स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है ये हायर और हाई लोज के स्ट्रक्चर्स पे. पे है अगर आपका स्टॉक हायर और हाई लोज के स्ट्रक्चर पे है विच इंडिकेट्स अप ट्रेंड और हमें अप ट्रेंड में ही पैसा लगाना चाहिए किसी को नहीं पता स्ट्रक्चर किस तरीके से देखा जाता है यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन आई हैव अपलोडेड ईच एंड एवरी थिंग आई हैव एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट वट चीज़ें आप कर सकते हैं ईच एंड एवरी थिंग ऑन द आई बटन यू विल गेट इट नंबर टू अगर आप गौर करेंगे प्राइस और वॉल्यूम बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहा है प्राइस जिस तरीके से पुश करता है ऊपर की तरफ वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है डाउनफॉल आता है वॉल्यूम बहुत लो हो जाता है फिर से पुश किया अपसाइड वॉल्यूम काफ़ी हाई एंड अगेन ऑन दस दस जिस तरीके से प्राइस फॉल हो रहा है वॉल्यूम काफ़ी लो है मैंने 200 हंड्रेड ई यूज़ किया है फॉर द बेटर आउटकम इन द इन रिगार्डिंग ऑफ वॉल्यूम यू कैन यूज़ दैट तो प्राइस भी देख लिया मैंने वॉल्यूम भी देख लिया स्ट्रक्चर भी देख लिया राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी अब इसपे साइकोलॉजी किस तरीके से बनाना है कि हम लोग ये ट्रेड हम लोग ले और हम लोग का पोजिशन क्या होगा हम लोग स्टॉप लॉस क्या होगा सो so सी सबसे पहला साइकोलॉजी साके, ये है अगर आप फोकस करेंगे जो अभी करंट सिनेरियो है जो कैंडल बना है राइट right? अभी कुछ दिन से मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है राइट ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक निफ्टी 50 निफ्टी फिफ्टी कॉन्सटेलेट यहाँ पर कर रहा था बट रिसेंटली ये ब्रीच किया है अपना डिमांड बट विक्रम थर्मो भी वो चीज नहीं किए हैं विच इंडिकेट्स विक्रम थर्मो स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू निफ्टी फिफ्टी क्योंकि निफ्टी फिफ्टी फॉल हो गया अपने रिसेंट डिमांड को तोड़ के बट ऑन दी अदर हैंड विक्रम थर्मो वही एरिया पे खड़ा है वो तो बहुत दिनों से एक ही जगह पे खड़ा है सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है जितना निफ्टी फिफ्टी वाले स्टॉक्स में है ये है इसके पीछे साइकोलॉजी विच इंडिकेट्स विच प्रूफ विक्रम थर्मोज इगोर इन कंपेरिजन टू निफ्टी फिफ्टी और अपने आप को यही चीज चाहिए अब हम लोग आ जाते हैं पोजिशन कहा बनाना है सो so दो चीज मैं बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंगली आप लोग पोजिशन बना सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ईजी तरीका है ब्रेकआउट रिटेस्ट हायर लोस में बाय करो गो फिर द गो फॉर अनदर हायर हाइस अगर हायर हाइस बने यू कैन कट कट इट आउट योर पोजिशन नंबर टू इफ यू आर लुकिंग टू बायिक्स टू रिवॉर्ड इशू काफी अच्छा हो मेरा यू कैन लुक फॉर अ बाय सम हमारा डिमांड एरिया है दिस होल एरिया इज डिमांड एरिया इधर पोजिशन बनाओ स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड गो फॉर इट सो दीज आर द टू टेक्नीक विच यू कैन यूज बिफोर बाइंग एनी स्टॉक डिमांड एरिया के नियर बाय कर लो या फिर सप्लाई uh, टूटने के बाद जब रिटेस्ट में आए या फिर हाई लोस बनाने आए यू कैन गो फॉर अ बाय और अभी के सिनेरियो के हिसाब से अब ये समझ में आ रहा है कि बहुत वॉलोटाइल हो चुका है मार्केट राइट लेट मी चेक निफ्टी फिफ्टी चार्टो ठीक मार्केट बहुत वॉलोटाइल है आज एक परसेंट गिर गया इससे पह, इससे पहले भी अराउंड 1.3 परसेंट गिरा था माइल है तो हम लोग को क्या करना चाहिए गिव स्पीस टू स्टॉक टू मूव आउट अभी बहुत सारे स्टॉक क्या करेंगे शेकआउट में टर्न आउट होंगे तो उस पर घबराना नहीं है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो जब तक हम लोग ये सब जोन्स होल्ड कर रहे हैं दिस होल एरिया या फिर दिस होल एरिया एज अ मीडियम टर्म देखा जाए तो दिस इज आवर मेन एरिया इधर जितना भी आएगा सब वोटिलिटी आएगा दिस होल एरिया एरिया विल बी अ फॉर द निफ्टी अगर जब तक ये होल्ड कर रहा है यू कैन होल्ड योर पोजिशन जितना मैंने स्पीस दिया निफ्टी फिफ्टी को मूव करने का उतना स्पेस आपको स्टॉक्स में भी देना पड़ेगा रिसेंटली डिमांड को देख के देखते हुए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं विक्रम थर्मो तो विक्रम थर्मो के हिसाब से देखा जाए सो दिस इज आवर रीसेंट डिमांड राइट ये डिमांड है बट मैंने स्टॉप प्लस यहाँ लगाने बोला जो पिछले वाला डिमांड पे था वहां मैंने लगाया क्योंकि अभी के सिनेरियो के सब जिस तरीके से मार्केट बहुत वोलेटाइल है बहुत सारा स्टॉक क्या कर सकता है एक शेक आउट देने के बाद वापस टर्न आउट हो सकता है ऊपर की तरफ शेक आउट के बारे में जानना है क्लिक ऑन द बटन यू विल गेट इट बहुत ही सिंपली ये चीज करना पड़ेगा तो आपको घबराना नहीं है आपको उसके अकॉर्डिंगली पोजिशन साइज बनाना होगा मैं क्या करता हूँ पर्सनली अगर मेरे को ऐसा सीनारियो लगता है मैं फिफ्टी परसेंट यासेंट सेवेंटी परसेंट यहाँ एड करता हूँ अगर इन किस नीचे आता है और अगर देखा मेरे को चेंज ऑफ एनी स्ट्रक्चर आई विल गो फॉर एवरेज अगर कुछ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है मैं फुल पोजिशन अभी नहीं लूंगा क्योंकि अभी वॉलोटाइल बहुत है जिस चीज स्टॉक्स पे मेरे को भरोसा कम है कि वो नीचे आ सकते हैं या फिर शेकआउट दे सकते हैं तब ये मैं सीनारी क्रिएट करता हूँ अपने माइंड में और प्लान उसके अकॉर्डिंग ही करता हूँ सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू तो जनरली मेरे हिसाब से सारे एक आउट में टर्न हो सकते हैं उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहो घबराने की जरूरत नहीं है पैनिक करने की जरूरत नहीं है जब तक हम लोग का निफ्टी फिफ्टी ये होल्ड कर रहा है दैट इज दिस एरियाज जब तक ये होल्ड कर रहा है वी आर गुड टू गो ऑन द अप साइड अगर इन केस ये डाउन होता है देन वी आर रेडी फॉर द डाउनफॉल एटलीस्ट दिस एरियाज ओके इन द मीडियम टर्म सो जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो लोग के लिए थोड़ा परेशानी होगा क्योंकि वोलिटिलिटी काफी हाई हाई चुका हाँ हो चुका है ब्रेकआउट वाले भी सारे नीचे आ जा रहे हैं लेट मी गिव यू द एग्जांपल जैसे अभी हाल फिलहाल इसके साथ हुआ था सी ब्रेकआउट दिया वापस टर्नों के नीचे आ गया कुछ दिन पहले मैंने ये भी एड बोला था क्यूबिक्स के बारे में लट सी क्या सी ऊपर गया वापस डाउन हो गया क्योंकि स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर जनरली स्टॉक ये करता है जैसे यहां पर देखिए आप हाई हाइस बना हाई लोज बना सस्टेन किया फिर न्यू हायर हाइस बनना चाहिए यहाँ पर बट ऐसा सीनैरियो नहीं हो रहा है इससे पहले क्या होता high high बना, high high बना, है हायर हाई लोज बनाई लोज बना स्टॉक अपसाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बट यहाँ पर वो सीनैरियो प्ले आउट नहीं हो रहा है वो जहां से मूवमेंट देता है वापस ड्रॉप हो जाता है उस ऑ पे विच इंडिकेट्स वॉलिटिलिटी इज ऑन पीक वो भी समझ में नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बहुत दिक्कत होगा बट मीडियम टर्म

ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बाय कर लेना वापस इस एरिया पे आता है कुछ भी ओके सो शॉर्ट टर्म टू बी कॉशियस वॉलिटिलिटी विल बी हाई 2023 2024 तक शायद हो सकता है वोटिलिटी हाई रहेगा कूल थैंक यू गाइस